कोई भी व्यक्ति 0.1% भी सबूत ला करके दे दे तो कल सवेरे मैं दीक्षा वापस ले लूं, सब प्रायश्चित ले लो, हजार लोगों के सामने मैं जूते खाने को तैयार हो जाऊं। सोशल मीडिया पर जैनों के लिए एक जागृति के रूप में आने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से कई बार चिंतन के रूप में, कई बार एक दूसरे के आरोप के रूप में, आज वही आरोप के रूप में लेकर आया है आज शाम 8 बजे चैनल महालक्ष्मी सादर जय जीवन के साथ। श्वेतांबर समाज में आचार्य श्री विमल सागर जी सूर्यश्री महाराज साहब, उन्होंने 400 सेकंड का वीडियो 20 अगस्त को यानी मंगलवार को निकाला। उनके प्रति जिस कमेटी ने बेंगलुरु में पिछला चतुर्मास कराया था, उस कमेटी के जवाब में ना मैं खाता हूं और ना खाने दूंगा। भीख मंगों की जमात बन गई है कमेटी, आजकल एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, कहते हैं पैसे बनाने की मशीन समझते हैं अपने आने वाले चतुर्मास करने वाले को और पैसे पर जीप लड़पलाते हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। 3 दिन बाद 3 पेज का जवाब कमेटी ने दिया। मनसुख जी जो उसके प्रमुख है, ट्रस्टी है, ये देख रहे हैं आप जवाब। इस बारे में हमने मनसुख जी दोबारा पूछा कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं और आपने जो जवाब दिया है वह भी गंभीर है, क्या यह पत्र आपके द्वारा जारी हुआ है? क्योंकि आज चैनल महालक्ष्मी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कोई आरोप प्रत्यारोप जो उन्होंने कहा आपके सामने वह दिखाएगा। पहले सुनिए मनसुख जी से जो उन्होंने इस पत्र जाने के बाद चैनल महालक्ष्मी को क्या कहा, सुनिए। कमेटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर आचार्य विमल सागर जी ने आरोप लगाए थे 3-4 दिन पहले वीडियो जारी करके। हाँ सर, उसके जवाब में आपने आज 3 पेज का एक जवाब बनाया है, बहुत पक्का जवाब बनाया है। जो उसमें दावे किए हैं आपने वह बिल्कुल, आप उस पर बिल्कुल अडिग हैं, मतलब वो पक्के दावे, आपके सही बातें दावे जो उन्होंने किए आपने 1000% सही है, मतलब उससे आप पीछे नहीं मुकर रहे, क्योंकि आपके दावे आरोप बहुत गंभीर है उसमें। हाँ, क्योंकि आपने उसमें लिखा है कि उन्होंने फूट डाल रहे हैं आपके ट्रस्टों के अंदर, अन्य साधु पर लांछन लगाते हैं। इसमें जो भी मैंने मतलब लिखा हूँ जी, हेलो जी जी, उसमें जितना भी लिखा है 0.1% भी गलत नहीं लिखा है। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले आप उनके खास भक्तों में गिने जाते थे, ये बात भी है। यस, सही बात है। फिर एकदम आप इस बात पे आ गए, जो आपने आरोप लगाए बहुत गंभीर आरोप लगाए आपने। हाँ बिल्कुल, जो भी लिखा है वो पूरा सही है और पूरे ट्रस्ट ने साइन किया उस पे। इसमें सभी ये सारे ट्रस्टी है जो साइन किए इन्होंने, सब ट्रस्टी है। सुना आपने, आचार्य श्री विमल सागर जी सूर्य महाराज साहब ने बहुत गंभीर लगाए 400 सेकंड में। आज उन्होंने आपको 6 प्रमुख उनके आरोप और कमेटी ने जवाब क्या दिया और उनके आरोप क्या है, उनके प्रत्येक के आपको अगले 15 मिनट में वह सुनाएंगे। इसमें चैनल महालक्ष्मी का कोई जोड़ घटाव नहीं है, एक ने कहा दूसरे ने लगाया, आज आपके सामने ही है, चिंतन समाज के लिए है, क्योंकि दोनों ओर से गंभीर आरोप लगे हैं। संत ने कमेटी पर लगाए हैं, समाज पर लगाए हैं और कमेटी ने संत पर लगाए हैं। सुनिए जरा उन 6 आरोपों के जवाब, आरोप, प्रत्यारोप। जिनको गुरु वंदन नहीं आता, 12 व्रतों में से 4-5 व्रतों का भी ज्ञान नहीं, जिनके पास में ऐसी पैनी बुद्धि ही नहीं कि जैन धर्म को आगे कैसे चलाना है, जिनको दिलो दिमाग के अंदर ऐसा ही हो कि महाराज साहब आए तो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने हैं, यानी जैन साधु पैसे इकट्ठे करने की मशीन, पैसा पैदा करने की मशीन। मैं लास्ट ईयर चामराजपेट में था, मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, मैं बहुत पछताया। मेरी जिंदगी में इतना पछतावा कभी नहीं हुआ कि मैं बेंगलोर जैसे इतने बड़े शहर के अंदर चतुर्मास करके भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गया। उसके बावजूद भी मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी, बहुत मेरे लिए लिखा गया, अभी भी लिखा जाता है। माइकालाल एक भी सौगंध डाल करके सामने नहीं आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हाँ, तो आचार्य श्री ने कह दिया कि पैसा बनाने की समी समझते हैं साधुओं को, और इस पर कमेटी ने जवाब दिया, वह आपके सामने है। पैसा बनाने की मशीन, आचार्य जी आपने बोला कि श्री शीतलनाथ संघ ने आपको पैसा बनाने की मशीन बना दिया है, जो बिल्कुल गलत है। आपने अपने चतुर्मास में जो योजनाएं रखी उनका जिक्र ना तो श्री संघ ट्रस्ट के समक्ष किया, ना ही ट्रस्ट में कोई विचार विमर्श किया। आपने जितनी भी राशि इकट्ठा की उसका पूरा हिसाब किताब कल्याण मित्र वर्षावास के पास था, यह आचार्य जी की कमेटी है, और वह पूरी राशि भी आपके ही सपुर्द कर दी। आप अपने लिए, आपके ही द्वारा बनाई गई कल्याण मित्र वर्षावास के लिए
पैसे बनाने की मशीन बन गए और ना कि श्री संघ के लिए। आपको पैसे की भूख तो ऐसी थी कि आपने कलश, कैटरर्स, मारवा टेंट हाउस, महावीर सेवा सदन, वीके मरीपिया हॉस्टल और ऐसे छोटे बड़े कई भवनों के तो पैसे तक नहीं चुकाए। इसमें यह भी कहा उन्होंने आचार्य ने कहा कि चतुर्मास करके पछता रहा हूं। इसके जवाब में उन्होंने कहा है, आचार्य जी ने कहा है कि वे हमारे श्री संघ में चतुर्मास करके पछता रहे हैं, जबकि श्री संघ आप जैसे साधु चतुर्मास करवाकर धर्म की हानि देकर पछता रहा है। या चाचा नहीं छा समझिए, आप श्री ने चतुर्मास में ऐसे ऐसे कार्य और करिए और करवाए, ऐसा पहले से पता होता तो हम आपका चतुर्मास करवाते ही नहीं। आप श्री ने हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखकर ट्रस्टियों को डरा धमका कर रखा। आपने तो इस हद तक भी कहा, ट्रस्टी को धमकाया कि मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर अनशन कर जहर खाकर खुदकशी करूंगा। सुन लीजिए, मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर अनशन कर जहर खाकर खुदकशी करूंगा और आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। यह एक आचार्य के, एक जैन धर्म के आचार्य की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है क्या? ऐसा किसी साधु भगवंत को शोभा देता है क्या? यह सवाल जवाब था कमेटी का। जबकि उस संघ को मैंने लगभग 55-60 लाख रुपए की इनकम करवा के दी और 60 लाख में संघ के 6 लाख रुपए भी नहीं होंगे, सब बाहर के, सब दूसरों के, सब मेरे नाम पर आए। मुझे देख देख करके लोग व्याख्यानों में आते और पैसे देते और फिर चौमासे के अंदर जोरदार सब चढ़ावे होते, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते तो पैसे आते देख करके उनके मुंह में रोज पानी आता कि ये भी हमको मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। मेरा सवाल है, क्यों मिलना चाहिए? तुम्हारा तो है नहीं। पजुसन के चढ़ावे हुए, प्रतिक्रमण के चढ़ावे हुए, पजुसन के चढ़ावे और प्रतिक्रमण के चढ़ावों में उनके 2% 5% भी चढ़ावे नहीं, उनके मेंबरों के, उनके संघ के मेंबरों के 2% 5% भी चढ़ावे नहीं। सब बेंगलोर के दूसरे लोगों के चढ़ावे, कोई 10 किलोमीटर से आकर के बैठता, कोई 15 किलोमीटर से, कोई उस संघ से, कोई इस संघ से, जिसके मन में आता। मेरी जगह सबके लिए खुली थी, इतना बड़ा सभागार खचाखच भरा रहता, दो दो मिनट में चढ़ावे होते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी प्रतिक्रमण के चढ़ावे ज्ञान खाते के पैसे के होते हैं, तो जो जो भी साधु भगवंत आगमों का काम कर रहे हैं इंडिया में, वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, आगमों का, जैन सिद्धांतों का जो काम हो रहा है, वहां पर पंडितों की बहुत खपत रहती है, वहां वेतन बहुत देना पड़ता है, उन साधु साध्वियों को तकलीफें पड़ती है, तो जो भी पैसा प्रतिक्रमण के सूत्रों का आएगा वो तुरंत वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो कोई ज्ञान का काम करता नहीं हूं, तो मेरी आवश्यकता है नहीं, और संघ में भी ज्ञान का कुछ काम है नहीं, संघ में भी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें मैंने पजुसन के पहले ही संघ को बता दी, 15 दिन पहले उसी प्रकार कह दिया कि देवद्रव्य का जो भी पैसा होगा, सपना जी का वगैरह जो भी, वो भी संघ में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ में पैसों की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने आरोप लगा दे दिया कि 50-60 लाख रुपए इकट्ठे कराए और मुंह में पानी के लिए पैसे आके आते थे उनके। क्या जवाब दिया कमेटी ने, आप भी देख रहे हैं। आचार्य जी ने अपने प्रवचन में यह भी कहा कि चढ़ावों को देखकर ट्रस्टियों के मुंह में पैसों के लिए पानी आने लगा। प्रथम दृष्टया ऐसी भाषा एक साधु भगवंत को शोभा नहीं देते, और जो आपने ट्रस्टियों के मुंह में पानी आने की बात कही, वह हकीकत में आपके और आपके सांसारिक परिवारजनों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। चतुर्मास की शुरुआत से ही एक एक खर्चे का हिसाब आपको आपके कल्याण मित्र वशावास के केशियर के सुरेश जी बागरेचा जी, आपके भतीजे ललित जी बागरेचा जी, दावणगिरी के सागर भाई और आपके परमानेंट टेंट वाला डायलाल जी के सामने संघ के सभी सदस्यों ने सुपुर्द किया था। जो भी राशि इकट्ठी हुई उसे देव द्रव्य के मंदिर की सुपुर्द की जाएगी, ऐसा आपने कहा था। लेकिन आपने श्री संघ को सुपुर्द करेंगे अपने प्रवचन में भी कहा और आम सभा में भी सबके समक्ष कहा था, लेकिन बात से आप उसमें मुकर गए। बड़ी रकम को इकट्ठा देखते हुए आपके मुंह में पानी आ गया था कि श्री संघ व्यापारी है। इस पर कमेटी का कहना है कि आपने संघ को व्यापारी बताया, बल्कि आपने जैन धर्मावलंबियों का आप पर श्रद्धा को देखते हुए वह धर्म का व्यापार का कार्य आपने किया है। चतुर्मास में इतने अनुष्ठान करवाए, करोड़ों रुपए आए, तपस्या के निमित्त रखी गई नवकारसी का चढ़ावा देने के बाद भी शावकों से भेजन हेतु आपने पैसे के पास लिए। पूजन के लिए आपने स्वयं बैठकर शावकों से पैसे देकर पास दिए। जितनी भी रकम जमा हुई वह सब आपके कल्याण मित्र वर्षा पास के द्वारा जमा हुई। इसमें जो आरोप लगाए वह और गंभीर है। अब आगे लिखा के आपके अनुष्ठान के यंत्र बनाए थे जिनकी लागत 200 रुपए थी, शावक से 1000 रुपए लिए।
साड़ी की लागत 300 रुपए थी, शाबी गांव से 1000 रुपए लिए। इन दोनों के फर्जी बिल बनवाए, यह आरोप कमेटी लगा रही है। यह बहुत गंभीर आरोप है। कमेटी ने आगे भी कहा कि आचार्य जी ने प्रवचन में बताया कि चतुर्मास में श्री संघ को 50-60 लाख रकम की उपज कराई। श्री संघ यह पूछना चाहता है कि इस रकम का आपने क्या किया, या फिर आपने यह रकम आपने किस ट्रस्टी को सुपुर्द की, उसका सबूत आप श्री संघ को दिलाएं, ताकि वह रकम श्री संघ में जमा होकर धर्म कार्यों में लग सके। श्री संघ का नुकसान नहीं होगा। चतुर्मास में आपके द्वारा श्री संघ के लिए 1 पैसे की भी जाहिरात नहीं की गई। ऑलरेडी आप देव द्रव्य का दुरुपयोग कर चुके हो, 45 लाख रुपए उपाश्रम में बिगाड़ चुके हो, लगा चुके हो, और उस उपाश्रम में आपने झूठ बोल करके हमारा चौमासा करवाया है। हमें नहीं बताया कि हमने 45 लाख रुपए देव द्रव्य के इस जगह पे लगाए हैं जहां हम आपको रखने वाले हैं, तो मैं पहले ही मना कर देता कि मैं ऐसी जगह पर आने को तैयार नहीं हूं। ये सब बातें 15 दिन पहले बता दी, और फिर ये भी मैंने कह दिया फिर भी आपके संघ का अलग से पर्युषण महापर्व करना हो तो मैं करवा दूंगा। चौमासे के लिए आया हूं, इसलिए हम यहां सभागार में ग्राउंड में अलग से प्रदूषण करवा देंगे, आपके संघ का भी अलग से करवा देंगे, आपकी बिल्डिंग का। आचार्य जी ने आरोप लगा दिया कमेटी पर, 45 लाख रुपए का दुरुपयोग किया और हमसे झूठ बोला। इस पर कमेटी का जवाब है कि आचार्य जी ने मैसूर में तारीख लिखी है बकायदा 20 अगस्त 2024 को, जो प्रवचन आप देख रहे हैं ना महाराज जी का, यह 20 अगस्त के बारे में उल्लेख करते हुए कि श्री संघ के उपाश्रय भवन के बारे में कहा है कि इस भवन के निर्माण में देव द्रव्य के 45 लाख रुपए लगाए थे, जो कि आपको नहीं बताया। यह बात पूर्णतः असत्य है। उन्होंने याद दिलाया कि चतुर्मा जब इरोड में चल रहा था तो आपने आपके रिश्तेदार को भेजकर हमें आपका चतुर्मास करवाने की विनती हेतु बुलाया था। यानी कमेटी उल्टा कह रही है, चतुर्मास हमने नहीं करवाया था, चतुर्मास के लिए आपने हमें बुलाया था, और हमारे 25-30 श्रावक जब विनती करने इरोड आए थे तो आपको साफ साफ 45 लाख की बात भी बताई थी। आगे कमेटी ने आरोप किया कि ऐसी किसी भी साधु भगवान को बात शोभा देती है क्या। उन्होंने साफ कहा है इस बारे में कि जो वीडियो आपके वीडियोग्राफर अर्जुन ने लिया है, वह श्री संघ आपसे विनती करता है कि वह वीडियो समाज के सामने रखे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यानी उस वीडियो में बहुत कुछ है। आपने जिस वेश को ग्रहण किया है उसकी गरिमा को देखते हुए आपकी बदनामी ना हो, आपके अनुयायियों को किसी क्रिया चरित्र को देखकर आघात ना पहुंचे, इसलिए श्री संघ इतने दिनों से चुप बैठा रहा। यानी और गंभीर आरोप कमेटी लगा रही है। आप श्री संघ के खिलाफ अपने प्रवचन में गलत बातें बताकर वीडियो में वायरल कर रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। और इसके बाद उन्होंने साफ कहा है, श्री संघ सभी माई के लाल हैं जो जिन शासन के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री संघ आपको चुनौती देता है कि आप ट्रस्ट मंडल के साथ मीटिंग के लिए लिखित लेटर भेजें, हम झर झूठ के जवाब का सच हमारे पास मौजूद है। उनकी बिल्डिंग में 33 घर, 33 में से 21 के 21 ट्रस्टी, 21 में से मैंने मुश्किल से 9 ट्रस्टियों को देखा पूरे 5 महीने में, बाकी दिखे भी नहीं। कौन है वो पता नहीं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं कि नहीं हैं, साधु साध्वी के प्रति कोई कर्तव्य है कि नहीं है, पता ही नहीं, कोई आया ही नहीं। उसके सिवाय 9 जनों ने ही पैसे लिखाए, बाकी ने लिखा ही नहीं, उनका कोई भाग भी नहीं। और तो भी वो 33 जने जितना पैसा आए पूरे बेंगलोर का सब इकट्ठा करने के लिए बैठे, बस यानी व्यापारी, शुद्ध व्यापारी, बस आने दो आने दो। मैं सोचता हूं करना क्या है। सुना आपने आचार्य जी ने क्या लगाया कि ट्रस्टी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उन्हें 5 महीने में इसका पता नहीं चला। और कमेटी ने इसका जो जवाब दिया वह और ज्यादा जोरदार रहा। आचार्य जी ने कहा कि श्री संघ ट्रस्ट मंडल में मुसलमान है या ईसाई है ये आपको पता ही नहीं, लेकिन जैन धर्म के आचार्य पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति को इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि जैनों के श्री संघ में ट्रस्टी और सदस्य केवल जैन ही होते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि आपके कल्याण मित्र वर्षावास यानी आपकी संस्था में और जागो में कौन से धर्म के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सवाल उल्टा कर दिया, या आपने जोड़े हैं यह केवल आपको ही पता है। आपने प्रवचन में कहा कि बिल्डिंग में 33 घर हैं, आपने पूरे चतुर्मास में उन्हीं की गोचरी की, तो फिर तब आपको पता नहीं चला कि वह मुसलमान है, ईसाई है, या किसी धर्म से नाता रखते भी हैं या नहीं। यह जवाब रहा कमेटी।
ते 2 मिनट में 18.5 लाख और मुंह में पानी आया। हा हा है, ये पैसे तो हमको बोलने चाहिए, ये पैसे तो हमको मिलने चाहिए, ये पैसे हमको मिलने चाहिए। भीख मंगों की जमात है भारत में, कई संघों में सिर्फ दूसरों के पैसे चाहते हैं, समाज का हित नहीं चाहते, आगमों की व्यवस्था नहीं चाहते, ज्ञान का सही उपयोग नहीं चाहते, जैन धर्म का विकास नहीं चाहते, जो काम साधु साध्वी कर रहे हैं उनके लिए योगदान नहीं चाहते, अधिपति बनना चाहते हैं कि पैसे हमारे आ इकट्ठे हों। और उसी प्रकार मैंने कहा 2-2 मिनट 1-1 मिनट के अंदर सपना जी के और पालने के चढ़ावे दिए जाएंगे, पहले से कह दिया। मैं सब पहले स्पष्ट कहता हूं, पहले नीति बनाता हूं, नियम बनाता हूं, फिर उसे लागू करता हूं। मैं गफलत नहीं करता, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं दो बातें नहीं करता, मैं बात बदलता नहीं। कह दिया वो कह दिया, वैसा ही करूंगा। तो मैंने कह दिया जिन किन्हीं को आना हो आ जाइएगा, 1-1 मिनट में चढ़ावे मिलेंगे, तुरंत तुरंत जुलाना है। और ये सब पैसा कोई पुराने प्राचीन जीर्ण शीर्ण हो रहा हो, टूट रहा हो, ऐसे तीर्थ के रख रखाव में चले जाएंगे। जो पुराने तीर्थ हैं 400-500 हजार साल पुराने और ठीक किए जा रहे हैं, रिनोवेट किए जा रहे हैं, वहाँ पैसों की जरूरत रहती है, अपने को जरूरत है नहीं, तेल द्रव्य का पैसा है, कुछ खाना पीना होता नहीं है उसका, और वापस मेरे समुदाय के किसी भी संस्था में देना नहीं है, मेरे गुरु के, मेरी समुदाय के किसी भी संस्था में आपको नहीं देना है, सब दूसरे टोटल। मैं तो जिन शासन के भरोसे जीता हूं, ये जो लक्ष्मी भी आती है जो भी, तो ये भी भगवान की कृपा से, जिन शासन की बदौलत है, मेरे पिताजी की बदौलत थोड़ी है, मैं ये सोचता हूं। तुरंत तुरंत चढ़ावे हुए 55 लाख रुपए के और मुंह में पानी आने लगा, बस ये पेट दुख गया कि हमको पैसे नहीं मिले। आचार्य जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कमेटी पर, भीख मंगो की जमात, पेट में दुख हो रहा है कि पैसे क्यों नहीं मिले। कमेटी स्पष्ट जवाब देती है उनकी कमेटी का नाम लेकर, कल्याण मित्र वर्षावास कमेटी किसकी है और क्यों है? आपने अपने हर चतुर्मास में वहां के श्री संघ के कल्याण मित्र वर्षावास कमेटी का ही परिचय क्यों करवाया? जब आपका चतुर्मास श्री संघ को तत्वाधान में होता है तो फिर कल्याण मित्र वर्षावास कमेटी की जरूरत क्यों है? ये कमेटी आपके द्वारा गठित की गई है जिसका कार्य आप द्वारा किए गए गबन और अन्य अपराधों पर पर्दा डालना और छुपाने के लिए। आपने श्री शीतलनाथ श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में चतुर्मास किया, लेकिन लाभार्थियों को कैश रिसीप कल्याण मित्र वर्षावास कमेटी की, जिसके सबूत हमारे पास हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि श्री संघ को 50-60 लाख की रकम उपजित करवाई, कमेटी यह पूछना चाहती है इस रकम का आपने क्या किया, यह रकम किसको दी, उसके सबूत दीजिए। मारा साहब पैसे खा गए, मारा साहब ने अपने भाई को दे दिए, मारा साहब के भाई की जो फैक्ट्रियां हैं वो सब मारा साहब की है, बस ये बात है। आज भी कहता हूं दावे पूर्वक, कोई भी व्यक्ति 0.1% भी सबूत ला करके दे दें तो कल सवेरे मैं दीक्षा वापस ले लूं, सब प्रायश्चित ले लूं, 1000 लोगों के सामने मैं जूते खाने को तैयार हो जाऊं। मैं इतना ईमानदार आदमी हूं, मैं कोई भाई भतीजावाद करता नहीं, एक भी पैसे की मैं जिम्मेदारी इस प्रकार की लेता नहीं, दुरुपयोग होने देता नहीं, खाता नहीं, खाने देता नहीं। आचार्य जी ने साफ कहा, झूठे आरोप लगाते हैं, सबूत दो मैं जूते खा लूंगा। पर इसके बाद कमेटी ने भी जो आरोप लगाए अब जो है वो बहुत गंभीर थे, यह बहुत हैरानगी वाली बात है। उन्होंने पहले आरोप लगाया एक सुश्रावक धर्म प्रेमी सुरेश जी के बारे में कि यहां आपके अपने 70-80 स्वयंसेवक सेविकाओं को गुंडागर्दी करने भेजे उनके पास, उन्होंने जबकि आपके कहे मुताबिक चढ़ावे और उन चढ़ावों की रकम भुगतान भी कर दिया, उसके बावजूद भी आपने ऐसी घिनौनी हरकत की, जलील कर उनकी छवि धूमिलाने की कोशिश की, बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कमेटी। उन्हें आप स्वयं फोन करके डराते हैं, धमकाते हैं, उनके परिवार को हानि पहुंचाने की बात करते हैं। आपके गलत आचरण में से आज सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखना पड़ता है, वरना किसी जैन साधु को पुलिस सिक्योरिटी जरूरत क्या है? ऐसे कुकृत्य करने वाले साधु क्या जैन श्रावक कहलाने के भी योग्य हैं? पत्र के अंतिम पृष्ठ पर 3rd पेज पर कमेटी ने और ज्यादा बातें कह दी, जो उसमें प्रमुख है, आप अपने बड़े समुदाय के आचार्य होकर ऐसी ओछी हरकत करने वाले, आपकी साधुचर्या शोभा नहीं देती है, और ट्रस्ट ने आपका चतुर्मास किया, अब दूसरी जगह जाकर उस संघ की बदनामी कर शावकों को वहां नहीं जाने को कहते हैं। आपने इससे पूर्व इरोड के चतुर्मास में आधी रात को 3 बजे उपाश्रय खाली करके चुपचाप निकल गए थे। आपने जितने भी चतुर्मास किए उनके नाम लेकर लिखा है। आप संघों को तोड़कर छिन्न भिन्न करके ट्रस्टियों में फूट पड़ा कर अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं।
यह आरोप कमेटी का है। आपकी प्रवृत्ति यह सालों से चली आ रही है, यानी जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अगला आरोप बहुत और था, क्या आपने साधु जीवन को बस ऐसे ही कार्य के लिए अंगीकार किया है? आप जैसे साधु की वजह से जैन धर्म के अन्य साधुओं पर भी लांछन लगाते हैं, जो हम शावकों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आप तीर्थंकर के बताए मार्ग पर नहीं चलना चाहते हो तो साधु वेश छोड़कर सांसारिक जीवन में आइए। और कमेटी अंत यह करती है कि ट्रस्ट मंडल के साथ मीटिंग के लिए लिखित मैटर भेजें, ताकि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। आचार्य और कमेटी के आरोप प्रत्यारोप आपके सामने हैं। यह समाज को चिंतन करने की जरूरत है कि गलती कौन कर रहा है। आरोप गंभीर थे, इसलिए दोनों चैनल मालिश में दिखाए कि आज हमारी दिशा और दशा दोनों बिगड़ रहे हैं। चाहे साधु संघ की ओर देखें या हम शावक संघ की ओर देखें, आरोप गंभीर हैं। एक दूसरे के प्रति चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और इसका हल निकालिए। सादर जय जय।